हेलो हेलो हेलो। सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल लाइफ आर्ट पर हार्दिक अभिनंदन। पिछले एपिसोड में हमने सातवें अध्याय का महात्म का वृतांत सुना था। आज हम ये सातवां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोलो वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। तो चलो शुरू करते हैं सातवां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संचय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य सेंस नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये आठ प्रकार के विभक्त हुए मेरी प्रकृति हैं। ये आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपना है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा चिंतित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, मेरे सिवा कोई दूसरी वस्तु इस दुनिया में नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से ये कथन कहते हैं। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। अग्नि में तेज हूँ। और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वो मैं हूँ। तपस्या में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसित्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं।
ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, देशादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो मेरे को नहीं भजते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो पापी, दुष्ट और बुरे विचारों वाले लोग हैं, बुरे स्वभाव वाले हैं, वो मेरे को नहीं भजते। मुझे तो जो अच्छे स्वभाव वाले लोग ही भक्त हैं, भक्त हैं, मेरा स्मरण करते हैं। हे भरत वंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी आर्त जियासु और ज्ञानी अर्थार्थ निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भक्ते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय हैं। यद्यपि ये सब ही उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विष असत पुरुष हैं, वे तो अपने स्वभाव से पेरे हुए तथा उन भोगों की कामनाओं द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का ये फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। वो मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं,
ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता है ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता हूँ। अर्थात मेरे को जन्म ने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि दंड रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वह राग देशादि दंड रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भक्त हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, उस पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अतिभूत और अधि देव के सहित तथा अधि यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम धूप पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही हैं। ऐसे जो जानते हैं वह युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। इसी के साथ ये सातवां अध्याय यहीं आकर संपन्न होता है। या बोलो वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण देवाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये भगवत गीता के सभी अध्यायों को ध्यान से सुने और इससे आपको मन की शांति प्राप्त होगी और आपका एक भक्ति भाव जागृत होगा। तो ये आपसे ये नर्म निवेदन है कि प्रत्येक वीडियो को आप पूरा देखें और ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में उतारने की कृपा करें ताकि आपका जीवन मंगलमय हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप इस चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने कमेंट के द्वारा हमें अवगत कराए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।